गांव की सरकार संवाददाता सुरेंद्र देलू के साथ देखिए टुडे 24 पर। खाजूवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायत में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में चुनाव प्रत्याशी के द्वारा आज जोर शोर से रैली के रूप में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। खाजूवाला ग्राम पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सियासर में खलील खां के द्वारा पंचायत के अनेकों गांव में तूफानी दौरा किया गया, तो वहीं मतदाताओं में भी पंचायती चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिला। पिछले कई दिनों में खलील खां के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं आज रैली के रूप में चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा। अब डोर टू डोर और एक एक वोट के लिए उम्मीदवार मतदाताओं के पास पहुंचेंगे। वहीं खलील खां से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। ऐसे में प्रत्याशियों के द्वारा घर घर और डोर टू डोर अब जनसंपर्क शुरू हो जाएगा। पिछले कई दिनों से लगातार धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं खाजूवाला पंचायत समिति की सियासर ग्राम पंचायत में प्रत्याशी खलील खां के द्वारा जगह जगह प्रचार किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। वहीं COVID-19 एक महामारी है, ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को इस समस्या से भी कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, मतदाताओं से अपील भी करनी पड़ेगी। वहीं हमारे साथ इस समय सियासर ग्राम पंचायत के उम्मीदवार खलील खां, इनसे जानना चाहते हैं किस एजेंडे को लेकर ये चुनाव में उतरे हैं। ये अभी जो चुनाव हो रहा है, क्या एजेंडा रहेगा, क्या प्राथमिकता रहेगी जिसको आप पंचायत में विकास कार्य करवा सकें? मेरा एजेंडा ये रहेगा, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं विकास को लेके चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जनसेवक, जनता की सेवा के लिए रूप में उतरा हूँ, और विकास कार्यों के लिए, चाहे वो नहर की बात है जीरो से लेके टेल तक, ये सीसी लाइनिंग कंप्लीट करने का भी मैंने वायदा किया है आवाम के साथ, और जो कच्ची सड़कें हैं उसको पक्की ग्रेवल सड़क बनाना, और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना, बिजली जो GSS है वो कृषि कनेक्शन, हमारा कृषि क्षेत्र है, इसलिए क्या है कि GSS की भी हमने लक्ष्य रखा है कि जल्दी ही 1 साल के अंदर कंप्लीट करवाएंगे। सिंचित इलाकों होने के साथ साथ डाट कवरिंग और भूमि आवासीय पट्टे एक बड़ी समस्या है। भूमि पट्टे और डाट कवरिंग मेरा लक्ष्य है कि एक भी बाकी नहीं छोड़ेंगे सर, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और शिक्षा के लिए तो मैं विशेष तौर में प्राथमिकता मेरी शिक्षा के लिए फोकस रहेगा कि स्कूल की जो प्राक्रमणित करवाना है, या वहाँ कोई 4 दीवारी है, स्कूल की नई बिल्डिंग है, इसके लिए मैं मेरी प्राथमिकता रहेगी। अगर आप पर विश्वास कर जनता सरपंच बनाती है, तो ऐसे 2 काम जो प्राथमिकता से सबसे पहले करवाएंगे? सबसे पहले तो मैं स्कूल की प्रति जो भी कमियां पूर्ति है जहाँ, वो पूर्ति करूँगा सबसे पहले। उसके बाद में ये रेगिस्तान का एरिया है और टिब्बा सैंड है, काफ़ी रास्तों का मतलब मुसीबत में सामना करना पड़ता है, तो रास्तों की मेरी प्राथमिकता रहेगी। कटान सुधा जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ले नक्शे लेके कटान सुधा सबको ग्रेवल बिछाने का कार्य करूँगा। दूसरा, जीरो से लेकर टेल तक पानी, टेल के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है पूरा, तो टेल के किसानों तक जीरो से लेकर टेल तक मैं नई माइनर बनवाने का कार्य करवाऊंगा। कटान रास्ते के अलावा एक शुद्ध पेयजल भी बड़ी समस्या आ रही है। शुद्ध पेयजल की जो 8-9-10 आबादी है, वो GLR फिल्टर प्लांट बनाएंगे, मैंने ये पाइपलाइन का प्राथमिकता से कार्य करवाऊंगा। मैं देख सकते हैं आप, सियासर ग्राम पंचायत से उम्मीदवार खलील खां का कहना है कि 36 कौमों को साथ लेकर इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाने हैं। जो भी सरकार की योजना होगी उसको पंचायत में क्रियान्वित कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। सिंचित इलाका होने के साथ साथ डाट कवरिंग व भूमि आवासीय पट्टे भी बड़ी समस्या, तो वहीं शुद्ध पेयजल को लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ये मांग रही है, और इनका कहना है कि इनके आश्वासन और इनके विश्वास पर खरा उतरते हुए मैं 5 साल के अंदर प्राथमिकता से इन कार्यों को बखूबी करवाऊंगा और 36 कौमों को साथ लेकर बिना किसी द्वेष भावना के इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों की अलग जगाऊंगा। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, खाजूवाला।